नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषिका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे विद्यालय पुनः खुल गए हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करना। इसी प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप का निर्माण किया गया है। और इस प्रेरणा लक्ष्य ऐप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अपडेट हुआ है, और वो अपडेट हम सभी शिक्षकों को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो अपडेट है कि अब प्रेरणा, जैसे हम लोगों ने दीक्षा ऐप को अपनी मानव सभ्यता आईडी से मर्ज किया था, अब उसी प्रकार इस प्रेरणा लक्ष्य ऐप को भी मर्ज करना है हमें अपनी मानव सभ्यता आईडी से। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। आगे बताने से पहले मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों, जो अपडेट आया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसे ही आप अपना प्रेरणा लक्ष्य ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने ये प्राइवेट पॉलिसी आएगी, और फिर नीचे जब बढ़ेंगे तो सबसे नीचे हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टिक करना जो बॉक्स बना है, मैं सहमत हूँ, इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर आपसे पूछा जाएगा कि आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक पर टच करके आगे बढ़ेंगे, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी पर टच करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वीडियो हम शिक्षक के लिए बनाई है। तो हम यहाँ पर शिक्षक है पर टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। आप देखें नीचे लिखा हुआ है अपनी मानव संपदा आईडी पंजीकृत करें। जी हाँ साथियों, आपको यहाँ पर टच करना है जहाँ पर लिखा है मानव संपदा आईडी पंजीकृत करें। आप जैसे यहाँ पर टच करेंगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपका मानव संपदा कोड। जी हाँ, EHRMS आईडी जो आपकी है वो आप यहाँ पर भरेंगे अपनी, और यहाँ पर टच करेंगे पंजीकृत करें। और जैसे ही आप पंजीकृत पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका विवरण आ जाएगा। जो भी आप कोड वहाँ पर डालेंगे उसका विवरण आ जाएगा कि क्या निम्नलिखित विवरण सही है। आप अपना विवरण चेक कर सकते हैं। इसमें कर्मचारी आपका नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, पद दिया होगा, और जो विकास खंड है वो दिया होगा, और जनपद दिया होगा। अगर आपका डाटा बिल्कुल सही शो कर रहा है तो आप यहाँ पर जी हाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप जी हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन्यवाद, आपकी मानव संपदा आईडी अब पंजीकृत हो गई है। होम स्क्रीन पर जाएं, और जैसे ही आप होम स्क्रीन पर जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी मानव संपदा आईडी पंजीकृत है। तो देखा साथियों, कितने छोटे से स्टेप से आपकी ये मानव संपदा आईडी इस प्रेरणा लक्ष्य ऐप से मर्ज हो गई है, पंजीकृत हो गई है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि आपको ऑफलाइन, जब विद्यालय खुल गए तो आपको ऑफलाइन तो स्कूल में पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ इस प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप का प्रयोग करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग सीधे ऑनलाइन हो रही है। आपको ऑफलाइन पढ़ाया हुआ भले ही कोई ना देख पाए, लेकिन इस ऐप के जरिए आपकी मॉनिटरिंग जरूर ऊपर होगी कि आप इस प्रेरणा लक्ष्य ऐप का यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं, कि आप दीक्षा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करने की बात है कि आप इन दोनों ऐप का यूज़ जरूर कीजिए, और रीड अलोंग से बच्चों को पढ़वाइए, क्योंकि रीड अलोंग ऐप जो है वो इसी प्रेरणा लक्ष्य ऐप से मर्ज है। तो आप इन ऐपों का इस्तेमाल विद्यालय में अनिवार्य रूप से करें प्रतिदिन। ये आपकी सर्विस बुक पर रिकॉर्ड रहेगा सारा डाटा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि दीक्षा ऐप, रीड अलोंग और प्रेरणा लक्ष्य, इन तीन ऐप का आपको प्रयोग डेली करना है। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपको अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। आगे हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।